बाइट कर लेते पहले। और कुछ डिनर डिनर पे बाकी और कुछ सिफारिश कुछ करना है? बोलो, बोलिए कौन कौन है आज। चलिए कौन शुरू? थैंक यू यार, बहुत शॉर्ट और स्वीट। मैं मतलब चढ़ा चला और उधर गया और यहाँ आ गया आप सबके पास। तो फैशन का ऐसा है कि मुझे मज़ा आता है ये करने में, बिकॉज यू आर वेल ड्रेस्ड, यू आर वेल पुट टुगेदर। आपके लिए कोई कारीगरी करके परफेक्टली एक आउटफिट बनाता है आपके हिसाब से, और आप सबके सामने चलते हैं और सब आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए चीयर करते हैं। तो एक्टर होने का अगर मैं कहूँगा एक पर्क होता है, तो कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर ज़रूर होता है ऐसे शो करने में। आपको अपने बारे में अच्छा फील करने का मौका मिलता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक्स टू हेलो ऑडी एंड शांतनु निखिल, जिन्होंने मेरे लिए पर्सनली ये बनाया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी वॉकिंग। मज़ा आता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए जिसमें मज़ा आया आदमी। नहीं यार, वो मेरे एक मित्र हैं कुणाल रावल, उन्होंने मुझे वेटरन बना दिया है। उनके लिए इतनी बार चलाऊँ अब आदत हो गई है, अब मज़ा आने लगा है। क्योंकि अब मतलब विदाउट मेकिंग अ लॉन्ग आंसर, पहले लगता था यार लोग मुझे देखना पसंद करते हैं या नहीं, यू नो शुरुआत में ऐसा अजीब लगता है। आपको भी आदत नहीं हुई है अपने एक रिएक्शन की, आपको लगता है यार आप मेरे लिए रिएक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली पता है कि आपके दोस्त हैं, लोग हैं, आपकी आपकी काम की प्रशंसा हुई है, तो अभी अच्छा भी लगता है जाते हुए, नर्वसनेस अब नहीं होती। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी, इनका शांतनु निखिल का इस शो का थीम आज था कीपिंग इट ऑब्वियसली इंडो वेस्टर्न का एक फ्यूजन है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज भी किया है। ये मेरे लिए अभी लास्ट मिनट उन्होंने आज शाम को मुझे ट्राई करा है अभी के अभी, और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे अंदर डिटेल भी है और ये जो कॉलर था साथ में ये इन्होंने जो ऐड किया, तो उनकी मिलिट्री थीम थी। इट वॉज अ मैस्कुलिन टेस्टोस्टेरोन अग्रेसिव थीम, ऑल मेंस लाइन थी। तो अच्छे कपड़े मिल गए पहनने को, मैं आ गया।